bell icon when you subscribe so that every time I upload a new video on YouTube, you'll be notified. मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे होंगे मुझे देख के कि मेमेजी कितनी पतली हो गई है. को बोलते हैं मैजिक. नहीं नहीं कोई मैजिक नहीं है. आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं पतली क्यों हो गई हूँ. बेसिकली मैं कर रही हूँ डाइट. इस डाइट को बोलते हैं कीटो डाइट. तो मैं चाहती थी कि मुझे इतना फर्क पड़ा मैं क्यों ना शेयर करूँ ये. आज मुझे हो गई 3 हफ्ते. इस आठवारी को हो जाएंगे 1 रात. मुझे 1 महीना हो जाएगा. मुझे बहुत फर्क पड़ा. मच्छर उठा. इतना मच्छर उठा मैं क्या वो भी बताऊंगी. अपने दिल का दर्द बताऊंगी. लेकिन बोलते हैं ना नो पेन तो नो गेन. वो पुस्तक है. देखो सबसे पहले तो कश्मीर में जब हम थे तावन था वहाँ पे फैट वैट ये बातें कोई करता ही नहीं था. पकानास लोग पकानास. ते जल करनी भी उतना उतरना पड़ता था नीचे 4 मंजिल. बता खाते थे जल मुथर करते थे ऊपर वापस आते थे बता पच गया होता था फिर और खाते थे. फैट कत कैसे मजर. अब जब से कश्मीर छोड़ा पर घर में बीमारियां ही बीमारियां. आधे मेरी वो है एक दूर की रिश्तेदार उसको सजी वही का थायराइड निकला. अब मेरा मेरे को भी वजन बहुत बढ़ गया था. मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. हेल्थ जब खराब होती है ना फिर मगज भी डलना शुरू हो जाते हैं. फिर आप चिड़चिड़े हो जाते हो. बहुत सारी चीजें होती हैं. अब मेरी डॉटर है उसको करी थी कीटो डाइट. जब मैंने देखा उसको इतनी फर्क हुई मेरे को हो गया कि मैं भी करती. इससे मेरे को मोटिवेशन मिला बहुत. पहले मैं कीटो डाइट को इतना वो चारती थी शुरू में मुझको बहुत प्रॉब्लम हुई. इट्स वेरी टफ मगर मेरा विल पावर बहुत है. मैंने किया फिर जैसे जैसे मेरे गाल अंदर जाने लगे पेट अंदर जाने लगा मेरे को रियलाइज हुआ कि हमारी फूड हैबिट्स बहुत खराब है. ये आपको फिर मेंटेन भी रखना पड़ता है और एक उम्र के बाद थोड़ा करना ही पड़ता है. वो ना उम्र रही अब ना फिर दावत लेंगे नचेंगे बता भी खाएंगे फिर उसके बाद बोलेंगे वाई दाग छम. यू आर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल. ट्राई करने में क्या बुराई है. तो फिर मैंने स्टार्ट की अपनी कीटो जर्नी. मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी चैलेंजेस. तो पहली बार जब मुझे पता चला कि कीटो डाइट में कार्ब्स ही नहीं खाने हैं. आपको पता है कार्ब्स को क्या होता है कार्ब्स में बता. मैंने बोला पागल गमित सही बत कुछ चुत्रावान. मैंने बोला ये पॉसिबल नहीं है. उसी दिन मैंने राजमा गज्जी बनाई थी बत्ते के साथ. प्लान किया था मैंने खाऊंगी मजे से. मेरी बेटी बोलती है मम्मी इसमें बता बंद करना पड़ेगा कीटो डाइट में. उसी दिन शाम को फिर लेकिन मेरी हार्ट की रिपोर्ट आई मेरा जू ही निकल गया. अब मैं रात भर मुझे नींद नहीं आई. मैं रात भर सोच रही थी क्या इम्पोर्टेंट है बता या हेल्थ. हेल्थ इज इम्पोर्टेंट बता इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बट बता खाने के लिए जिंदा भी तो रहना पड़ेगा. फिर मैंने बोला नहीं मैं करूंगी कीटो डाइट. मैंने अपनी बेटी को फोन किया. मैंने बोला मुझे तू लिस्ट दे मैं वही लाएगी मैं वही खाएगी मैं बता बंद करूंगी. फिर वो मुझे बोलती है मम्मी दालें भी नहीं खानी है. मैं दो क्या हकूम बस. तो फिर लिस्ट में कुछ था ही नहीं. मैंने सोचा ये कैसे होगा हम कैसे करेंगे तो मुश्किल है नामुमकिन है. वो कहते हैं ना वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. बोलते हैं शिकसला देयर इज नो वे इन कीटो. देयर इज नो वे वेदर यू हैव विल और नॉट. देयर इज ओनली वन वे नो कार्ब्स नो बता. लेकिन मेरी बेटी ने मुझे एनकरेज किया. उसने बोला मुझे गूगल करो. मैंने गूगल किया. मैंने पढ़ा कीटो डाइट के बारे में. मैंने की हिम्मत. मैंने कहा मेमजी यू कैन डू इट. बस तो की मैंने शुरू. बट मेरी बेटी ने मुझे वार्न किया था. उसने बोला था मम्मी आपको ऐसे लगेगा दिलसमस दबरार होगा चक्कर जैसा लगे. मैं मतलब इतनी शॉक हो गई ये जान के कि ऐसी चीजों में कार्ब्स होते हैं. हम कितना कार्ब्स खाते हैं. हमने अपने बच्चों को भी बचपन से सिर्फ कार्ब्स और शुगर ही खिलाया है. हमारा लाइफस्टाइल भी खराब. पचता था तो हमको लगता था ठीक है. ऐसा नहीं होता है. लेकिन मुदरेर की इतनी आदत हो गई थी. पहले 3 दिन मुझे मच्छर उठा. मैंने चीजें तोड़ी रिमोट फेंका. मेरी डैड जी के साथ इतनी लड़ाई हो गई. उसने मुझे बोला तेरे को क्या लठाई तुझे क्यों इतना ये होता है मत कर फिर डाइट चीटी है कीटो करना है. बोला तेरे को डॉक्टर ने तो करने लगी तू बुढ़ी अब कीटो. मैंने बोला तू मुझको बुढ़ी बोलता है तू बुढ़ा. तूने अपने पेट देखा है, है? तू भी कर मेरे साथ कीटो. फिर मुझे आई ट्रिक. मैंने बोला अगर डैड जी भी करेगा मेरे साथ कीटो कंपनी मिलेगी आपको करना ही पड़ेगा. डैड जी भी मान गए.
पास फिर चौथे दिन से मियां बीबी हम लग गए दोनों कीटो। पहले एक हफ्ता 10 दिन लगा एडजस्ट होने में, लेकिन जब एक बार वजन कम होने लगा, सूट फिट आने लगे, पुरानी स्वेटर फिट आने लगी डैड जी भी खुश, मेम जी भी खुश, फिर हमको रियलाइज हुआ नहीं, हेल्थ इज वेल्थ। कोई भी काम शुरू में लगता है मुश्किल, लेकिन अगर मेहनत करोगे तो हो सकता है सफलता मिले, ये भी हो सकता है नहीं मिले, लेकिन मेहनत तो करनी है, बिना करे तो पता ही नहीं चलेगा। हमने अपना एक गाना भी बनाया डेडिकेटेड टू कीटो डाइट। हम बने तुम बने बस कीटो के लिए, आई डोंट नो व्हाट टू ईट, आई डोंट नो व्हाट टू ईट। अब फिलहाल हम बहुत स्ट्रांग हो गए, हमको मन नहीं तंबलता है, अब हम अच्छे से करते हैं डाइट। बस अब ये अब खांदरों का आ गया ना सीजन, अब हो गया लेवल 2 चैलेंजेस का। एंड इसमें खुली वानू मेरे कश्मीरी भाई बहनों को कि भले आप कीटो डाइट करो या ना करो, लेकिन अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। खांदरों का सीजन आ रहा है, तंबलना मत। कीटो डाइट के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे मिल जाएगी, अब तो सबके पास गूगल होता है और यूट्यूब भी सबके पास होता है। अगर आपके पास यूट्यूब है तो इस चैनल को लाइक करो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो बाकियों के साथ और कमेंट करो नीचे अगर आपका कुछ क्वेश्चन है। तो अब हम अगली बार जब तक मिलेंगे तब तक अपना ख्याल रखना।